नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। क्वेश्चन नंबर वन, किसी समय के दौरान व्यय पर आय के आधिक्य को कहते हैं। ए लाभ, बी हानि, सी पूंजी, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ हो जाएगा यानी प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय के दौरान आय पर व्यय के आधिक्य को कहते हैं। ए लाभ, बी हानि, सी पूंजी, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस यानी हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है। ए अस्थाई संपत्ति, बी मूर्तवान संपत्ति, सी तरल संपत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरल संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय भवन व कार्यालय भवन का भाड़ा 5,000 दिया है, यह है घटना, लेन देन, दोनों कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपये मूल्य का माल बेचने के बाद दस हजार का अंतिम रहतिया था, तो यह एक घटना है, यह एक लेन देन है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्व की को कहा जाता है। संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। ए अंतिम रहतिया, बी अग्रिम भुगतान, सी फर्नीचर, डी देनदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन अस्थाई संपत्ति नहीं है। ए भूमि, बी ख्याति, सी संयंत्र, डी देनदार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक संपत्ति है। ए भूमि, बी भवन, बी ख्याति, सी प्रारंभिक व्यय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिससे फर्म को धन देता है कहलाता है। ए लेनदार, बी देनदार, सी आपूर्तिकर्ता, डी क्रेता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है। लेनदार, देनदार, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है। ए 12% ऋण पत्र, बी अंश पूंजी, सी आधिक्य, डी देनदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाते यानी बुक कीपिंग से आशय होता है। ए पुस्तकों को अलमारी में रखना, बी बही खाता तैयार करना, सी अंतिम खाते तैयार करना, डी सौदे का लेखा पुस्तकों में करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौदों का लेखा पुस्तकों में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाते का प्रमुख उद्देश्य है। ए लाभ हानि ज्ञात करना, बी व्यवहारों का लेखा करना, सी पूंजी का ज्ञात करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
व्यवहारों का लेखा प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पुष्पपालन विज्ञान एवं कला दोनों है, ये तो सही है। पुस्तकों को अलमारी में सजाकर रखना पुष्पपालन होता है, ये गलत है। पुस्तक पालन में यंत्रों द्वारा लेन देनों का लिपिकरण संभव है, ये भी सही है। पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली सबसे अच्छा प्रणाली, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन यानी बुक कीपिंग अपनाया जाता है, ए धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा, बी केवल व्यापारियों द्वारा, सी केवल उद्योगपतियों द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बही खाता बुक कीपिंग है, एक कला है एक विज्ञान है, न कला है न विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न तो कला है और न ही विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन की भारतीय प्रणाली कहलाती है, दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, महाजनी लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाजनी लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन की वैज्ञानिक प्रणाली किसे कहा जाता है? ए इकहरा लेखा प्रणाली को, बी भारतीय बही खाता प्रणाली को, सी दोहरा लेखा प्रणाली को, डी रोकड़ प्रणाली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन आरंभ कहाँ हुआ? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अंतिम खाते बनाना पुष्पालन में आता है, नहीं जी। पुष्पालन का आरंभ चीन में हुआ, ये भी नहीं है जी। पुष्पालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन पुष्पालन की कौन सी क्रिया है? ए सार्थक क्रिया, बी निरर्थक क्रिया, डी पूर्ववर्ती क्रिया, डी उत्तरवर्ती क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरवर्ती क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन अकाउंटिंग की सर्वाधिक प्रमाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के विषय में कौन सा कथन अधिक सत्य है? केवल वित्तीय घटनाओं का विलेखन है, केवल व्यापारिक घटनाओं का विलेखन है, केवल व्यवहारिक घटनाओं का विलेखन है, डी केवल वास्तविक घटनाओं का विलेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वित्तीय घटनाओं का विलेखन होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखाक्रम का कार्य परम्भ होता है, जहाँ पुष्पालन का कार्य परम्भ होता है, जहाँ पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है, जहाँ पुष्पालन किया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पुष्पालन करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पुष्पालन का कार्य प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में लेखांकन को जाना जाता है, ए मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले, बी व्यवहारिक लेखन वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में, बी व्यवसाय की भाषा के रूप में, सी व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में, डी उपयुक्त सभी रूपों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन कार्य नहीं है? ए अभिलेखात्मक कार्य, बी लेखा परीक्षणात्मक कार्य, सी व्याख्यात्मक कार्य, डी प्रबंधनात्मक कार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
प्रवणात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों की परख किस प्रकार की जा सकती है? ए उपयोगिता के आधार पर, बी लागत के आधार पर, सी लोच के आधार पर, डी सरलता के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का हित लेखांकन सूचनाओं में प्रत्यक्ष निहित है? ए गुण नियंत्रण अधिकारी, बी विपणन निरीक्षण, सी आयकर अधिकारी, डी श्रम अधिकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयकर अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ए सामान्य स्वीकृति द्वारा, बी सरकारी प्रयत्नों द्वारा, सी विशिष्ट शोध व खोज द्वारा, डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्वीकृति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन की दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ए प्रत्येक व्यवहार के लिए समान डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियाँ की जाती है, बी डेबिट बैलेंस खातों की संख्या क्रेडिट बैलेंस खातों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, सी प्रत्येक सम्व्यवहार खाता बहियों के दो समूहों में लिखा जाता है, डी प्रत्येक सम्व्यवहार दो एक बार बार जर्नल में तथा दूसरी बार खाता बही में लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक सम्व्यवहार के लिए समान डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियाँ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत पक्षीय अवधारणा डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रणाली जिसके आधार पर व्यवहार दर्ज किए जाते हैं, दोहरा लेखा पत्ति, द्वी खाता पत्ति, इकहरा लेखा पत्ति, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन में प्रत्येक लेन देन के पश्चात संपत्ति तथा दायित्व की बराबरी का संतुलन ए बना रहता है, बी बिगड़ जाता है, सी परिवर्तित हो जाता है, डी कुछ नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बना रहता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।